इस वीडियो में आज हम एमएस एक्सेस की विंडो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, यानी जब हम एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं तो उसकी मुकम्मल विंडो जो है उसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम ये कुछ इसकी मेन जो चीज़ें हैं ये हम देखेंगे कि एमएस एक्सेस में टाइटल बार कहाँ होता है, क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है ये क्या होता है, एक्सेस नेविगेशन पेन ये क्या होता है, ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यानी डेटाबेस ऑब्जेक्ट ये दरअसल हम कहाँ से इन्हें देख सकते हैं और स्टेटस बार क्या होता है, इनसे मिलकर एक मुकम्मल एक एमएस एक्सेस की जो विंडो है वो बनती है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि एमएस एक्सेस ओपन करते हैं। यहाँ पे ओपन करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आप एक्सेस तक पहुँच सकते हैं, एक्सेस टाइप करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है डेस्कटॉप पर या यहाँ पे आपने इसका शॉर्टकट रखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेस जो है वो ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन के ऊपर हमसे ये कहा जाता है कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट करना है उसका क्या टेम्पलेट होगा। अगर एक सिंपल डेटाबेस आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो आप ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप एक ख़ास स्ट्रक्चर का डेटाबेस जो है वो बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ आपने डेटा एंटर करना होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके वो जो है वो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो हमारे पास जो ऑलरेडी एक डेटाबेस हमने बनाया हुआ था यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से सिस्टम के नाम से इसको हमने ओपन कर दिया है। इसके अंदर हमने कुछ टेबल्स बनाए हुए हैं, कुछ फॉर्म्स एंड क्वेरीज हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार की। टाइटल बार में आपको यहाँ पे जो टॉप पर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है जहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये यह दरअसल क्या है इसका टाइटल बार। जैसे यहाँ पे टाइटल बार में लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी वो था क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्विक ऑप्शन आ जाएंगे जिन तक एक्सेस करके आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना हो या आपने ऑलरेडी एक सेफ डेटाबेस है उसे आपने ओपन करना हो या आपने जो है वो प्रिंट करवाना हो या प्रिंट प्रीव्यू देखना हो, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ जिसके ज़रिए आप पहुँच सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इन डिटेल इन ऑप्शंस तक एक्सेस करना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे जिससे आप मुकम्मल अपने एमएस एक्सेस की विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इन्फो का, इसके अंदर जो मौजूदा डेटाबेस जो कि आपने फ़िलहाल ओपन किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप उसको जो है वो रिपेयर कर सकते हैं अपने डेटाबेस फाइल को अगर डैमेज हो गई, या अगर आप अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना चाहें पासवर्ड से तो आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ। इसी तरह आप अगर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, एक डेटाबेस ऑलरेडी सेव्ड है उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिसेंटली डेटाबेस आपने बनाए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह आप प्रिंट करना चाहते हैं या इसको क्लोज करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स हैं, फीडबैक और ऑप्शंस की यहाँ पे सेटिंग्स हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो एमएस एक्सेस की विंडो के हवाले से इन डिटेल सेटिंग्स मौजूद हैं, इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे टाइटल बार देख लिया, क्विक एक्सेस टूल बार भी देख लिया, उसके बाद है यहाँ पे एक्सेस नेविगेशन पेन। एक्सेस नेविगेशन पेन जो है यहाँ पे जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है इसको कहा जाता है नेविगेशन पेन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेस के डिफरेंट ऑप्शंस तक एक्सेस जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम वापस वहाँ चले जाएंगे जो मैंने डिस्कस किया, होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह हम यहाँ नेविगेट करें, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्रोज एंड कोड यहाँ पे ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। इसे कहा जाता है रिबन। इसको अगर आप हाइड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो हाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसी तरह बाकी ऑप्शन में भी आप नेविगेट करेंगे, एक्सटर्नल डाटा यानी एक्सटर्नल फाइल्स आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, इसके साथ हमारे पास डेटाबेस टूल्स हैं जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं या हम विजुअल बेसिक में जब प्रोग्रामिंग करते हैं वहाँ पे हम डेटाबेस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फिर आपके पास हेल्प का ऑप्शन है। तो ये पूरा एक नेविगेशन पेन है जहाँ पे आप नेविगेट करके मुख्तलिफ ऑप्शंस तक पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको लेफ्ट पे जो विंडो नज़र आ रही है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं।
डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि हम क्रिएट के ऑप्शन में जाके टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ये तमाम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी हम क्रिएट करते जाते हैं। हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पे ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स की विंडो होती है जहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। अगर हम इसको हाइड करना चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं और इसको ऑन भी कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वो आपका, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की। इसके बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल कहलाता है स्टेटस बार। यहाँ पे जो भी आप, लेट सपोज कोई भी आप टेबल ओपन करते हैं, या मैंने टेबल के ऊपर डबल क्लिक किया तो टेबल ओपन हो गया, उसके हवाले से यहाँ पे व्यू की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेबल को किस व्यू में देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ कि ये इसका डिज़ाइन व्यू है, ये इसका डेटा शीट व्यू है। तो स्टेटस बार में जो है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है। तो ये एक ओवरऑल हमारा एक इन्वायरमेंट है एम एस एक्सेस का। तो एम एस एक्सेस को सीखने से पहले आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हमने एम एस एक्सेस विंडो डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा।